यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक अच्छा सा ग्लास। तो ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम दिख रहा है यहाँ पे चले जाएंगे, जिस पे हमने वो पीले कलर का मास्क लगाया, उस सब्जेक्ट को आप क्या बोलते हैं उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गिलास का फिर ढांचा हम बना लेंगे, और बनाने के बाद में उसमें होल कर देंगे। होल करके नीचे से सेंटर में ला लेंगे ताकि नीचे भी होल ना रहे, ठीक है। उसके बाद में उसको पतला करने के बाद में एक अच्छे से गिलास का शेप देने के बाद, उसके बाद में हमें फिर से लाइनिंग को मिलाना है ताकि एकदम बराबर और अच्छा सा दिख सके। ये जब कंप्लीट हो जाए तो इसको व्हीकल को थोड़ा बढ़ा देंगे लिमिट, ठीक है ना। उसके बाद में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में फिर हम इसको एक पोस्टर लगाएंगे साइड में, जैसे चार पोस्टर, ठीक है ना। इसको दो रखेंगे, दो रखने से हमारा चार पोस्टर आराम से आ जाएगा। लिंक लगा के हमने पोस्टर ले लिया है। लेने के बाद में कम हो रहा है, इसके बाद में हम व्हीकल को बढ़ाएंगे। व्हीकल को कम से कम हमें तीन रखना है, दो रे हमारा तीन। जब हमारा तीन हो जाए उसके बाद में इस पर धीरे धीरे आराम से और प्यार से खड़ा करेंगे, ठीक है ना, ताकि अच्छे से बैठ सके। उसके बाद में जब ये हमारा अभी ठीक से नहीं बैठा, फिर हम लेयर लेंगे ताकि अच्छे से फोटो को सजा सकें, ठीक है ना। अगर आप जो कोई भी वीडियो में देख रहा है और वो चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसको फिर कलर को हम थोड़ा कम कर देंगे ताकि कम करने से जो भी बाहर निकला हुआ ऑब्जेक्ट वो अंदर जाके बैठ जाएगा, हमारा जो कलर है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना फोटो। उसके बाद में हम इस पर लाइनिंग देंगे, लाइनिंग देके एक छीना ताकि एक अच्छे से दिख सके, ताकि गिलास बने तो सबको अच्छा लग पाए, ऐसा चीज़ इसको बनाएंगे। बनाने के बाद में हमें दो हुआ है, अब दो और बनाने का है, यानी एक एक दो, ठीक है। हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया यार। हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया, होने के बाद में फिर हम इसे शीशे की चमक देंगे, ठीक है ना, जो शीशे की तरह दिखे। ये हमारा प्रॉपर नहीं हुआ, अब इसको कलर कर लेते ताकि कलर जो शीशे वाली कलर आती है वहाँ पे लाके शीशे की कलर कर देंगे। करने के बाद में जब हमारा हो जाए ये शीशे की कलर हल्का फुल्का, ठीक है ना, फिर इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद जब पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए उसके बाद में फिर इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के लिए बहुत प्यार से इसको मिलेगा ताकि ये सीसी का कलर आ ही जाए, ठीक है ना। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको पूरा सजा रहा हूँ, ठीक है। सजाने के बाद फिर ऑफ करता हूँ, ठीक है। इसमें आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे से हम भी वही यूज करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया अब ऐसा लगता है, अभी से ऑफ कर देते हैं। अब हम फिर से जो घड़े वाला सिंबल दिख रहा है उसे लेंगे, और लेने के लिए फिर से एक प्लेट की बनाएंगे ताकि एक प्लेट हो सके आराम से, जिसमें ग्लास को रखा जा सके। धारी बना लिया है, उसके बाद में इसे अच्छे से शेप देके फिर ओके दबा देंगे, हमारा घड़ा तैयार हो जाए, वो प्लेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। प्लेट तैयार होने के बाद में इसका जो साइज को मिला लेते हैं अच्छे से, और साइज मिलाने के बाद में खूब प्यार से साइज मिलाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। इसके बाद में व्हीकल को बढ़ा देंगे, व्हीकल को कम से कम तीन रखेंगे, ठीक है ना। हमने एक ही रखा है लेकिन इसको तीन रखना जरूरी होता है, तीन में अच्छे से बैठ जाता है वो। उसके बाद में वाई को छः कर देंगे। छः करने के बाद में फिर एक अच्छे सी लाइनिंग से कलरफुल धारी बनाएंगे, ठीक है।
डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो दूसरा डिज़ाइन सोचा जाएगा। नीचे भी एक डिज़ाइन दे देता हूँ यार, ताकि अच्छे से दिख सके, ठीक है ना। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्त, ठीक है। इसे कलर करने के बाद में जब हमारा कलर कंप्लीट हो जाए फिर हम अपने ग्लास को लाएंगे, ठीक है ना। ग्लास लाने के बाद में उसमें अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है। जब तक फिक्स ना हो तब तक इसे चेक करते रहना ताकि आराम से फिक्स हो सके, ठीक है ना, ताकि ऐसा लगे जहाँ प्लेट में ग्लास रखा हुआ। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ इसके नीचे ही घुसा देना यार, आप लोग अंदर ही रखेगा, वो आपकी मर्जी है, जैसा चाहे आप वैसा हो सकता है, ठीक है। फिर से कलर पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, हमारा फिक्स हो गया पूरा अंदर। होने के बाद में इसको अगर आप चाहें तो फाइल में सेव भी कर सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्सचर को बाहर निकाला कैसे जाता है, जो हमारा टेक्सचर होता है उसको बाहर निकालते कैसे, ये हमारा OBG फाइल होता है। हम वो उनसे डिलीट हो गया था नाम, हमने नॉर्मल निकाला था NOM फाइल, अब फिर हमने पूरा नॉर्मल फाइल निकाला है। वो OBG था, वो कहीं भी जाएगा तो कलर नहीं देगा, लेकिन जो नॉर्मल फाइल होता है वो कलर देता है और कहीं भी एडिट करने के लिए रेडी रहता है। ये हमारा सिंगल ही आया, हमने इसको चौपार लेना है जाकि एक बिर में 3 से 4 गिलास बन सके। ये हमारा 2 हो गया, 2 और बना देते हैं, ये तो 5 में गड़बड़ होगा, ठीक है। ऐसा अगर आप कीजिएगा ना तो आपको जो भी टैब है या फ़ोन है हैंग होने लगे, उसको बहुत प्यार से करके करना पड़ता है, ठीक है ना। इसका साइज का 4 रखने पे तो बहुत दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। इस हमारा 4 हो गया, अब ऊपर वाले को इसको 3 कर देते हैं ताकि और पास पास में ग्लास आ जाए, 3 हो गया। उसके बाद में वाई को हम 4 कर देते हैं, हमारा 4 ऊपर तैयार हो गया और 4 साइड में, लगा जो 8 4 12 14 का 16 ग्लास हो गया। इसे कभी भी प्ले कीजिएगा तो ये फंसेगा, हमारा फ़ोन फंसने लगा, ठीक है ना। ये हमारा जो टॉबलेट है ये पूरा फंसने लगा क्योंकि रुक रुक के चल रहा है, एक बराबर चल ही नहीं रहा है। अगर इसको इसमें से डिलीट कर दिया जाए, जो हमने लिया था, जो एक बार में 4 5 6 10 जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारे पर, एक हो जाए तो एक होने के बाद फिर से ये फंसना बंद हो जाएगा। ये हमारा एक प्ले चल रहा है। अगर अब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।